जय श्री कृष्ण। मैं ज्योतिमा कर्म योगिनी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो होगी ये ज्योतिष और अध्यात्म के विषय के बारे में होने वाली है, यानी कि हम ज्योतिष और अध्यात्म को इकट्ठा जोड़कर देखेंगे कि कैसे काम करता है। ज्योतिष में हम जानेंगे राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह कैसा ग्रह है, क्या है राहु ग्रह, कैसे ये काम करता है और कैसे अध्यात्म के साथ इसे काबू किया जा सकता है, खराब राहु को ठीक किया जा सकता है। ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और ये जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी की क्या भूमिका रहती है ग्रहों को ठीक करने में। इस वीडियो को समझाने के लिए मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी का भी अनुभव इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं जब 5वीं कक्षा में थी तब से लेकर अभी तक मेरी राहु ग्रह की ही महादशा चल रही है और ये महादशा 2024 जून में समाप्त होने वाली है। तो इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी कि राहु की दशा में मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या मैंने परेशानियां झेली, कौन कौन से मैंने दुख झेले और कैसे मैं इससे बाहर निकल के आई, यानी कि राहु के प्रकोप से मैं कैसे बची। मुझे ज्ञान न होने के कारण और किसी की गाइडेंस भी न होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा राहु में उलझती चली गई और बहुत सारे नुकसान मैंने लाइफ में झेले हैं। अभी राहु की दशा समाप्त होने वाली है, इसीलिए मेरी ज़िंदगी भी चेंज हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि आप भी उन्हीं दुखों का सामना करें जिस दुख से मैं गुजरी हूँ। तो इस राहु को समझते हैं और करते हैं इसके उपाय बिना कोई उपाय किए। आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, मैंने बोला करते हैं राहु के उपाय बिना कोई उपाय किए। वो कैसे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, राहु और अध्यात्म। पहले हम जानते हैं कि राहु ग्रह कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे वह बना। राहु एक राक्षस था, एक दैत था, जो समुद्र मंथन के दौरान उसने अमृत पान किया था धोखे से और भगवान विष्णु ने उसको बीच में से काट दिया था और वह दो भाग में बट गया था। जो ऊपर वाला हिस्सा था वह राहु ग्रह बन गया और जो नीचे वाला हिस्सा था वह केतु ग्रह बना। इस प्रकार राहु और केतु होने में आए। तो इस प्रकार राहु और केतु ग्रह उत्पन्न हुए थे और इनका बड़ा ही विशेष स्थान है ज्योतिष में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं दावा करके कहती हूँ, शर्तीय तौर पे कहती हूँ, आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे अगर आप मेरी एक सिंपल सी सरल सी बात को इस वीडियो के माध्यम से समझ लें। राहु ग्रह असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वास्तविक में यह ग्रह नहीं है। ये ग्रह एक छाया ग्रह है, शेडो प्लैनेट है, यानी कि ये नहीं है, इसकी सिर्फ एक छाया ही मानी जाती है, यानी कि असल में यह नहीं है। जो ग्रह असल में है ही नहीं, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे इतना कैसे पड़ सकता है और क्या करें कि इस जो प्रभाव को हम कंट्रोल कर सकें, काबू में कर सकें। राहु ग्रह अंधकार का ग्रह है, डार्कनेस का ग्रह है, वहम का ग्रह है, भ्रम का ग्रह है, अज्ञानता का ग्रह है, झूठ का ग्रह है, छल का ग्रह है
और धोखे का ग्रह है, मतलब कि ये ग्रह बहुत ही चालाक है, बहुत ही ये षड्यंत्र रचता है। ऐसा ग्रह है जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, माया का ग्रह है। ये ग्रह रिसर्च का ग्रह है, यह न्यू आइडियाज़ का ग्रह है, ये विचारों का ग्रह है, ये सक्सेस का भी ग्रह है, ये गवर्नमेंट जॉब का भी ग्रह है, फॉरेन ट्रैवल का भी है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी है। और ये ऐसा ग्रह है, जैसा हम इसके साथ चलेंगे, जैसा इसके साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही ये ग्रह बनता जाता है। इस ग्रह के बुरे या ठीक रिजल्ट लेना हमारे खुद के हाथ में है। मैं तो कहूँगी जितने भी ग्रह हैं सभी का अच्छा और बुरा रिजल्ट लेना हमारे ही हाथ में है। हम कैसे उस ग्रह को डील करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, वही इन ग्रहों को ठीक और ख़राब करता जाता है। तो ये जो राहु ग्रह है, जब यह है किसी का पीड़ित होता है, खराब होता है उसकी कुंडली में, क्योंकि पुराने जन्मों के जो कर्म हम लेकर आते हैं, प्रारब्ध कर्मों के आधार पर हमारी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली बनती है, हमारे अब की किस्मत बनती है जो हम साथ लेकर आए होते हैं, और उसी प्रकार से ग्रह हमारे स्थित होते हैं कुंडली में, वैसा ही वह रिजल्ट देते हैं जिस जैसी उसकी स्थिति होती है। तो राहु अच्छा या बुरा, जब किसी व्यक्ति का राहु बुरा होता है कुंडली में, तो जब राहु की महादशा आती है, अंतर दशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है, या गोचर में राहु कोई ऐसे स्थान से गुजर रहा होता है जहाँ के लिए वह बेनिफिक नहीं होता है, तब हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचती है, दुख आते हैं, घटनाएं होती हैं और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घटित होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एकदम से कोई नौकरी छूट जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं राहु की दशा में। जैसे कि राहु जब अटैक करता है, सबसे पहले वह व्यक्ति की बुद्धि को अटैक करता है, क्योंकि यह विचारों का ग्रह है, ये आपके दिमाग में गलत विचार भरेगा, गलत थॉट्स आपको देगा और आपको सच से दूर लेकर जाता है। ये ऐसा ग्रह है जो हमें अंधकार में जीने के लिए मजबूर करता है, कभी भी सच का ये पता नहीं लगने देता और ये झूठ को ही सच दिखाता है, यानी कि हमारी जो बुद्धि है इस प्रकार से दूषित हो जाती है, इस प्रकार का ये पर्दा डालता है कि हमें झूठ सच लगता है और सच झूठ लगता है, यानी कि ये अज्ञानता का ग्रह है, हमें ये अज्ञानता से भर देता है और ज्ञान का ये प्रकाश नहीं होने देता है। जब हम पे राहु की कोई दशा होती है, तब हमसे ये गलत कार्य करवाता है, गलत ढंग से व्यक्ति पैसा कमाता है, व्यक्ति का स्वभाव बड़ा ही चालाक और षड्यंत्रमय हो जाता है, व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देता है और वह इतना मतलब ही सेल्फिश हो जाता है, उसको किसी के अच्छे बुरे की जो समझ है वह नहीं रहती, यहाँ तक कि वह अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझता है। व्यक्ति उस दशा में गलत चीज़ों का सेवन करता है, यानी कि मीट, शराब, ड्रग्स, इन चीज़ों का सेवन करता है और उसे ये गलत भी नहीं लगती हैं और इसकी एडिक्शन उसे हो जाती है और इसे छोड़ना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। फिर व्यक्ति गलत वाणी का भी उपयोग करता है, गंदी गालियाँ निकालना, गंदे बोल बोलना, और मतलब कहूँ कि इतनी क्रूर वाणी वह इस्तेमाल करता है जो आप सुन भी नहीं सकती हैं,
वे राहु से ही प्रभावित लोग करते हैं। राहु विचारों का ग्रह है, तो ये आपके विचारों को मलिन करता है, यानी कि आपकी बुद्धि को खत्म करता है, नष्ट करता है। गलत विचार आपके अंदर भरता है, गंदी सोच आपके अंदर भरता है और गंदे कर्म आपसे करवाता है। तो इसलिए ये आपको मानसिक तौर पे भी परेशान रखता है, अशांत रखता है, क्योंकि जब किसी ने कोई गलत काम किया होता है तो कैसे वह शांति में रह सकता है। राहु ग्रह के बहुत सारे लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि राहु ग्रह खराब है। उनमें से ये एक थे, आपका मन नहीं टिकता। आप एक काम करोगे तो फिर उसमें मन नहीं लगेगा, दूसरा करोगे उसमें नहीं लगेगा, तीसरा करोगे, ऐसे ये मन को भगाता है, यानी कि टिककर ये नहीं बैठने देता। अशांति और अज्ञानता ये फैलाता है। अब बात करते हैं कि इस राहु को कैसे ठीक किया जा सकता है और अध्यात्म के साथ कैसे। तो पहले मैं आपको समझाती हूं, जो राहु है वह हवा है, तो हवा को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। हम सांस लेते हैं, जब हम भाग रहे होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं या घबराहट में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारा सांसों का नियंत्रण खराब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये समझिए कि राहु खराब होता है और उसी इम्बैलेंस में हम बहुत कुछ गलत भी करते हैं। अगर हम प्राणायाम के द्वारा इन सांसों को कंट्रोल करना सीख जाएं, नियंत्रण में ले आएं, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो हम राहु को कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि खराब राहु को भी ठीक कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा तरीका है, ये विचार आपके अंदर उत्पन्न करता है। बहुत बड़ी 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 बातें आप सोचोगे, बड़े बड़े आपके दिमाग में सपने सजेंगे, कर आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर खराब है तो, बस सपने ही होंगे। मतलब कहूंगी कि हवाई महल उसारोगे आप और हो कुछ नहीं पाएगा। तो अगर आपको इसे करना है कंट्रोल, तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकती हैं। अगर आप मेडिटेशन करती हैं तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करती हैं, विचारों को कंट्रोल करती हैं जो अनवांटेड हैं, अनडिजायरेबल हैं। जब आपका मन कंट्रोल होता है, विचार कंट्रोल होते हैं, तो स्वाभाविक है राहु कंट्रोल में है, क्योंकि राहु फालतू के जो थॉट्स है वे नहीं लेकर आएगा, यानी कि कंट्रोल में आ जाएगा अध्यात्म के साथ, मेडिटेशन के साथ। अब एक बात हम जानते हैं कि राहु बुरा या अच्छा, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। राहु फॉरेन का प्रतीक है, फॉरेन लेकर जाता है, सेटलमेंट कराता है, वहां पर मान सम्मान दिलाता है। जब प्राचीन काल में कभी किसी को दंड दिया जाता था तो उसे कह दिया जाता था कि हम तुम्हें देश निकाला दे रहे हैं, देश यहां से निकलो, अपनी जन्मभूमि से तुम चले जाओ, दूर चले जाओ। ये दंड के तौर पर दिया जाता था, कहा जाता था, और व्यक्ति बड़ा ही उदास होता था, बड़ा ही रोता था और महसूस करता था कि मुझे मेरी मातृभूमि से, जन्मभूमि से दूर कर दिया गया है। तो वह दुख का कारण था, यानी कि राहु का किसी व्यक्ति को उस टाइम विदेश भेजा एक दुख का कारण था, तो राहु खराब था। तो आज वही खराब राहु जब किसी व्यक्ति का कनाडा का, न्यूजीलैंड का, यूएसए का वीजा लगता है, तो आज हम खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं खराब राहु के कारण, और लड्डू बांटते हैं और खुश होते हैं कि हमारे बच्चे को देश निकाला दिया गया है, मातृभूमि से वह दूर जा रहा है, देश को वह छोड़ के जा रहा है, और उसी राहु के माध्यम से अब हम खुश होते हैं और
लड्डू बांटती हैं। कहने का मतलब, एक व्यक्ति का राहु बुरा था प्राचीन काल में जब उसे देश निकाला दिया गया, और एक व्यक्ति का अब राहु बहुत अच्छा है जिसको देश निकाला दिया गया। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे मानते हैं। अब हम इस चीज को समझें, राहु अगर हम झूठ बोलेंगे तो खराब हो, यानी कि कहने का मतलब राहु की जो क्वालिटीज हैं, अगर आप वो चीजें करते हैं जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई थी, जैसा राहु होता है वो चीजें करती हैं, तो ये खराब होएगा। अब आपको अगर राहु को ठीक करना है तो आप ठीक उसके विपरीत करना शुरू कर दीजिए, तो राहु आपका ठीक होता चला जाएगा। एग्जाम्पल देकर बताती हूं, अगर राहु झूठ है तो आप सच बोलिए, राहु ठीक होगा। अगर राहु अज्ञानता है तो आप ज्ञान अर्पण कीजिए, राहु ठीक होगा। अगर राहु षड्यंत्र रचता है तो आप सीधी सादी जिंदगी जिए। अगर राहु इधर उधर भागता है तो आप टिककर बैठना सीखें। अगर राहु मीट श्राप खिला रहा है तो आप इनका सेवन बंद कीजिए। अगर राहु गलत वीडियोस दिखा रहा है, जैसे कि पोर्नोग्राफी या गलत विचारों का हमें अध्ययन करा रहा है, तो उसके विपरीत धार्मिक रिलीजियस वीडियोस देखिए, अच्छी वीडियोस देखिए और अच्छाई को ग्रहण करें। अगर राहु गलत वाणी का उपयोग करवा रहा है, गालियां निकलवा रहा है, तो अच्छी मधुर वाणी का उपयोग कीजिए। अगर राहु गलत तरीकों से पैसे कमाने के लिए उकसा रहा है तो शुद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए पैसा कमाएं। अगर राहु माया में फंसा रहा है, कामनाएं जगा रहा है, तो कामनाओं को कम कीजिए, वश में कीजिए और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करें और आवश्यकता से ज़्यादा ना करें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राहु ठीक हो सकता है। जैसा राहु है उसके विपरीत आप करना शुरू कर दीजिए तो राहु ठीक होएगा। राहु झूठ है, अंधकार है, उसी प्रकार से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान का सेवन करते हैं, यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब जी और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं वे पढ़ते हैं और ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, ज्ञान आप लेते हैं और भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, अपने आप को जानने के मार्ग पे चलते हैं, तो यही राहु आपको इतना ऊपर लेकर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये राहु में ही क्षमता है कि वह आपसे ऐसी चीज़ों की रिसर्च करवाए या आपको ऐसे नए आइडियाज़ दे, ऐसा कुछ नया करवाए जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। राहु के प्रभाव में आप कितनी भी दूर तक आप सोच सकते हैं, क्योंकि राहु ही आपको थॉट्स देता है और ये थॉट्स आप इमेजिनेशन जितना मर्जी आप दूर तक लेकर जा सकती हैं। और अगर आप अध्यात्म में आते हैं तो ये राहु आपसे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस करवाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी प्रदान करेगा। ये राहु आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। तो ये फैसला आपका है कि आपको राहु को किस प्रकार से रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये तो जान लिया है कि राहु अध्यात्म के साथ, ज्ञान के साथ ठीक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको और भी ज्योतिषी उपाय बताऊं, परंतु कई लोग फिर भी उस चीज़ की डिमांड करती हैं। मैं रिकमेंड कर रही हूँ नाम ध्यान, नाम सिमरन, जो मैंने इससे पहले बताया। आप राहु की जो बीमारी है जड़ को पकड़िए ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो आपको। और अगर आप ऊपर से ही उस बीमारी को काटते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे, तो जड़ वहीं पर रहेगी और राहु
जड़ से ठीक नहीं होगा, मतलब बीमारी का इलाज नहीं होगा, बीमारी दोबारा उत्पन्न होगी। तो एक मार्ग था जड़ से बीमारी को ठीक करने का। अब मैं आपको मार्ग बताती हूँ ऊपर से बीमारी को काटने का, पर बीमारी दोबारा आएगी, जागेगी। तो ये हैं कुछ ज्योतिष के उपाय। अगर आपको राहु ठीक करना है तो आप काले कुत्ते या काली गऊ को खाना खिलाएं, हरा चारा खिलाएं और रोटी वगैरह खिलाएं कुत्ते को, इससे राहु ठीक होगा। शनिवार के दिन कच्चा कोला आप जल प्रवाह करें और ऐसा करने से भी राहु शांत होता है। हनुमान चालीसा करने से भी राहु शांत रहता है। मीट और शराब का सेवन छोड़ने से राहु ठीक रहता है। और राहु के प्रकोप से बचने के लिए आप फॉरेन की करेंसी भी अपने वॉलेट में रख सकती हैं, क्योंकि राहु फॉरेन का प्रतीक है। और अगर राहु को आपको ठीक करना है तो आप अपने टॉयलेट है वो बिल्कुल साफ रखें, बिल्कुल भी उसे गंदा ना होने दें, ये भी राहु को ठीक करने का उपाय है। बहुत 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 सारे उपाय हैं ज्योतिष, तो इनके साथ जड़ से बीमारी नहीं जाएगी। तो किसी चीज़ का उपाय करने से पहले आप बीमारी को समझो, जड़ से ख़त्म करो और ऊपर ऊपर वाले उपाय छोड़ें, क्योंकि उसके साथ पक्का इलाज नहीं होगा। मेरे खुद के जीवन में मेरे राहु की दशा बहुत ज़्यादा खराब रही है, परंतु अभी मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, क्योंकि मैं अध्यात्म में आ गई, परमात्मा के साथ जुड़ी। तो कहने का मतलब है राहु आपको अच्छा फल देगा अगर आप अध्यात्म मेडिटेशन में आती हैं, और बहुत ही आपको सुख का अनुभव होगा, राहत आपको मिलेगी अगर आप इस मार्ग पे चलती हैं। कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है, अगर आप अध्यात्म में आ जाएं, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएं, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये भी उस परमात्मा के ही बनाए हैं, निराकार शक्ति के बनाए हैं। उनके ऊपर ये ग्रह कभी भी काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आप परमात्मा के साथ जुड़े हैं तो ग्रह आपको तंग परेशान नहीं कर सकते। अब रास्ता आपने चुनना है कि आपको क्या करना है। मैंने आपको सारा मार्ग है डिटेल में बता दिया है, और भी बहुत कुछ मैं राहु के बारे में बताना चाहूँगी और भी बहुत सारे ग्रहों के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुँच सके। अगर मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकती हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। इतना कहते हुए इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।